हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को वॉच करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी में कुछ इस तरह का फ़ोटो हो जिसमें ब्राइड हो और उसके साथ साथ बहुत सारा गैदरिंग हो। अगर ब्राइड को मेरे को कुछ अलग से हाईलाइट करना है और इस तरह का कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव डिज़ाइन करना है तो उसको कैसे करें। बहुत ही ईजी और सिंपल ट्रिक्स है। दो चार ट्रिक्स यूज़ करने से इस तरह का क्रिएटिव फ़ोटो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनते हैं इसको। तो मैं इसको मेरा पहले देख लीजिए, मेरा फ़ोटो था ऐसा, उसको हम कुछ एडिट करने के बाद इस तरह का बना दिया गया। तो सबसे पहले इसको मैं एडिट करता हूँ। मेरा ये नॉर्मली फ़ोटो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेयर है इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, इसको एक डुप्लीकेट लेयर बना लीजिए, फिर इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आपका फोरग्राउंड में ब्लैक और बैकग्राउंड में आपको व्हाइट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो, जैसे अप्रोक्स समझ लीजिए आप इस तरह का आपका वो रेड हो और पीछे का कलर में इस तरह का आपका कुछ कलर हो, तो आप उसको ऊपर में फोरग्राउंड में ब्लैक और बैकग्राउंड में व्हाइट कैसे करोगे। सिंपली कीबोर्ड से डी प्रेस करना है, कीबोर्ड पे डी डी प्रेस करती फोरग्राउंड में आपका ब्लैक और बैकग्राउंड में आपका व्हाइट आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर इमेज पर जाओ, एडजस्टमेंट पर जाओ और इसका आप यहाँ पर ग्रेडियंट मैप, मतलब ये ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। फिर आपको जो करना पड़ेगा, ये जो ब्राइड है जिसमें ये ब्राइड है, इस ब्राइड को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। इस ब्राइड को आप मास्किंग कर सकते हो, आप पेन टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, आप लैसो टूल से सिलेक्ट कर सकते हो, आप क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट, जिसमें आपको अच्छा हो आप उसमें कर सकते हो, आप इरेजर टूल से इरेज कर सकते हो, जैसा आपको मर्जी आप वैसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप पेन टूल यूज़ करें। तो मैंने क्या किया, इसको ये जो पेन टूल से इसको सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है सेव करके। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके सिलेक्शन आपको सेव करके रखा था। इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैंने पेन टूल से किया, इसीलिए मैंने यहाँ पे पेन टूल का सिलेक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको देखने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैंने सिलेक्शन पहले से करके रखा था। पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं अगर आपको नहीं पता, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेन टूल के बारे में जितना कुछ ट्रिक्स है सब एक मैं ट्यूटोरियल बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के ट्यूटोरियल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप रेफरेंस के लिए उसके बाद देख सकते हो। तो इस तरह का अगर आप सिलेक्शन करने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर जो लेयर मास्किंग है इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये मास्किंग हो जाएगा। देखिए ये मास्किंग हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ा, देखिए ये फ़ोटो थोड़ा ना डाल है, तो अब ये फ़ोटो है इस लेयर पे, तो इस लेयर के ऊपर आइए और यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाइए, यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, आप यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दो और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दो। अभी आपको यहाँ इसको टॉप लेयर पे जाना है, टॉप लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाइए, जाने के बाद आप यहाँ पे इसको ग्रेडियंट पे जाइए, ग्रेडियंट पे जाने के बाद आप ये जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है जो इधर ब्लैक है और इधर व्हाइट कलर सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस कलर पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कलर का ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें क्लिक करते ही यहाँ पे कलर का ऑप्शन खुल गया, तो इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कुछ इस तरह का एक ऑरेंजिश कलर यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, फिर ओके करता हूँ। और राइट साइड में इस व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक करते और इसको मैं यहाँ पर कलर चूज कुछ इस तरह का एक यूलिस कलर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, तो मैं इसको ओके करता हूँ, फिर इसको ओके करता हूँ, इसको भी ओके कर दिया। अभी आपका ये जो लेयर ब्लेंडिंग मोड है इसको चेंज कर दो, यहाँ पे जो नॉर्मल है इसको कर दो आप कलर। कलर करते ही देखिए ये पूरा इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया, लेकिन मेरे को ये जो ब्राइड है इसको अलग करना है। इसको कैसे अलग करें, बहुत ही अच्छा और इजी ट्रिक्स है, देखिएगा। तो जो फ्रेंड मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे में जो सबसे बटन उसको क्लिक कर दीजिएगा, और मेरा आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो देख के आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखा, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तो उसके बाद इस ब्राइट का जो इमेज है जहाँ इसको मैं मास्किंग किया था, उसको मैं अगर मेरे को कलर दिखाना तो क्या कैसे दिखा, ये जो ग्रेडियंट लेयर दिया इस लेयर के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक कीजिए और इसका क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर दीजिए, तो आसानी से ये जो ब्राइड है ये कलर हो जाएगा और बाकी का जो गैदरिंग है, बाकी का जितना सारे इमेजेस है सब ये आपका
ग्रेडियंट का ये लुक आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो गया, बहुत इसमें कलर हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो फील है इसको आप कम कर सकते हो, यहाँ से कम ज़्यादा बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको जो टोन अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको 80% करके, मैं अपने पसंद के अनुसार मैं इसको 80% करके ओके करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मेरा ओरिजिनल फ़ोटो था, कुछ दो चार ट्रिक्स यूज़ करते ही वो इस तरह का क्रिएटिव फ़ोटो बन गया, जिसमें ब्राइड बिल्कुल हाईलाइट होके और ये पूरा इमेज एक क्रिएटिव लुक में आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी बढ़ जाएगा, तो मैं आगे और अच्छा वीडियो करने के लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगा। और जो फ्रेंड मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे मुझे सब्सक्राइब बटन उसको क्लिक कर दीजिएगा, और मेरे आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो, नया कुछ टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।